सरस्वती विद्या मंदिर के कॉमर्स सेक्शन के भैया बहनों के लिए मैं मनोज मिश्रा। इकोनॉमिक्स में हम लोग जहाँ तक कल थे वहाँ से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय आय का लेखांकन नेशनल इनकम अकाउंटिंग में आज हम लोग थर्ड मेथड जो है, तीन मेथड है राष्ट्रीय इनकम नेशनल इनकम को अकाउंटिंग करने के, उसके थर्ड मेथड वैल्यू एडेड मेथड और प्रोडक्ट मेथड पढ़े हैं। प्रोडक्ट मेथड उत्पाद विधि, जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि राष्ट्रीय आय का मूल कॉन्सेप्ट है ओ इक्वल टू वाई इक्वल टू सी, यानी राष्ट्रीय आय में जितना उत्पादन होता है उतना ही के बराबर आय जनित होता है और उतना ही के बराबर फिर कंजम्पशन एक्सपेंस। तो इसलिए ये तीनों विधियां से राष्ट्रीय आय मापा जाता है, आउटपुट मेथड, इनकम मेथड और कंजम्पशन मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। इसमें हम आज आउटपुट मेथड पे हैं। आउटपुट मेथड को वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं और प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं। वैल्यू एडेड मेथड यानी मूल्य वर्धित प्रणाली और उत्पाद विधि भी कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन इज व्हाई प्रोडक्ट मेथड इज कॉल्ड वैल्यू एडेड मेथड। एज वी नो दैट प्रोडक्शन इज द प्योर प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग यूटिलिटी इन एनीथिंग एंड नथिंग एल्स। क्रिएटिंग यूटिलिटी इन एनीथिंग एंड व्हाइल वी क्रिएट यूटिलिटी इन एनीथिंग, ए प्रोड्यूसर take that responsibility to creating utility in anything, and while a producer take responsibility of creating utility in anything, that producer must have to engage factors of production under production process, and while a producer engage factors of production under production process, there has to be remuneration to those factors of production for their contribution under production process, and as they remunerate to those factors of production, that's going to be add up in the value of that particular item. For suppose ki jangal mein koi lakdi ka ped ko kaat kar usko sofa banane ki taiyari karta hai ya chair banata hai, to usme jo labor cost lagta hai, us labor cost ke terms mein hi us product ka value badhta jata hai. To isiliye value added method ko hum log product method bhi कहते हैं। प्रोडक्ट मेथड को वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं क्योंकि प्रोडक्शन इज जस्ट अ एडिशन ऑफ वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी पेमेंट टू दोज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विच दे गेट इंगेज अंडर दैट प्रोडक्शन प्रोसेस। तो दैट वैल्यू इज गोइंग टू बी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, दैट्स प्रोडक्ट मेथड इज कॉल्ड वैल्यू एडेड मेथड। नाउ वी प्रोसीड दैट हाउ वी कैन एस्टिमेट the national income through value added method or product method. For this we have to be considered three points. First, we have to be estimate of value of output. Value of output in whole economy, we have to be estimate, monetary estimation of value of output. And how it can be done? It can be done through the market value of all goods and services produced by all the three sectors of the economy within one financial year. इट मीन्स इसके अंतर्गत हमको एक वित्तीय वर्ष में देश के तीनों क्षेत्रों के द्वारा, एज वी नो दैट एनी इकोनॉमी कंसिस्ट थ्री सेक्टर्स, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर, तो इन तीनों क्षेत्र के द्वारा जितने भी तरह के वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन हुआ उन सभी के मौद्रिक मूल्यों को या बाजार मूल्यों को हमको जोड़ना पड़ता है, एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू ऑफ आउटपुट। और इसमें हम यही करेंगे द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय ऑल द थ्री सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी विद इन वन फाइनेंशियल ईयर। सपोज इसमें क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि कैसे, यानी प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्शन 1500 करोड़ रुपया, सेकेंडरी सेक्टर का प्रोडक्शन 1000 करोड़ रुपया, टर्शियरी सेक्टर का प्रोडक्शन 800 करोड़ रुपया। तो इस तरह से हम तीनों सेक्टर के जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो प्रोड्यूस हुए हैं उनके मॉनेटरी वैल्यू या मार्केट वैल्यू को हम जोड़ लेते हैं। इसको लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट जो होगा वो होगा सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। जितना सेल्स होता है, जितना इकोनॉमी में विद इन वन फाइनेंशियल ईयर हाउ मेनी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज वर गोइंग टू बी सेल, उसको जोड़ेंगे प्लस चेंज इन स्टॉक। व्हाट इज चेंज इन स्टॉक? चेंज इन स्टॉक इज क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। सॉरी, ये क्लोजिंग स्टॉक होगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक,
change in stock means opening closing stock minus opening stock, यानी previous financial year में हमने जहाँ production को stop किया था और यहाँ जहाँ से शुरू कर रहे हैं, तो value of output हम इस विधि से निकाल सकते हैं. क्वेश्चन में आपको सेल्स दिया रहेगा, चेंज इन स्टॉक दिया रहेगा. नाउ यू कैन इजिली एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ आउटपुट थ्रू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक. नाउ द सेकंड पॉइंट, चेंज इन स्टॉक. चेंज इन स्टॉक इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक. थर्ड, एस्टिमेशन ऑफ, तीसरे नंबर पे हमको क्या करना है, एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू एडेड. वैल्यू एडेड यानी नेशनल इनकम, जितना भी विद इन वन फाइनेंशियल ईयर तीनों सेक्टर में जितना भी वैल्यू एड हुआ, यानी जितना भी वैल्यू के टर्म्स में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जितना भी पेमेंट दिया गया उसको हम एड करते हैं, एंड दैट इज नेशनल इनकम, द प्योर नेशनल इनकम फैक्टर कॉस्ट. और वैल्यू एडेड के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वैल्यू एडेड बराबर वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. व्हाट इज इंटरमीडिएट कंजम्पशन? इंटरमीडिएट कंजम्पशन रेफर्स द कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल. फॉर एग्जाम्पल, फॉर ब्रेड इंडस्ट्री फ्लोर इज द इंटरमीडिएट कंजम्पशन, एंड फॉर मोटरबाइक इंडस्ट्री द आयरन ओर्स आर इंटरमीडिएट कंजम्पशन. तो वी हैव टू बी डिडक्ट, बिकॉज व्हाइल वी add up the whole value of intermediate consumption and final goods, although it's generate a different problem. That problem is known as problem of double counting. That problem also we going to be seeing in next chapter, problem of double counting. So problem of double counting se bachne ke liye aur sahi sahi rashtriya aay janne ke liye humko value added nikalna padta hai, aur value added barabar hota hai value of output minus jitna bhi goods and services ka प्रोडक्शन हुआ बाय ऑल द थ्री सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, उसको एस्टिमेट करते हैं और उस सब में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन का वैल्यू हम घटा देते हैं, एंड देन वी गेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. और इसके बाद आपको मालूम है कि इसमें से जीडीपी एट एफसी में से जैसे ही हम डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं हमको एनडीपी एट एफसी आ जाता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. एंड व्हाइल वी गेट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, वी again have to work off NFIA, net factor income from abroad, and we get NNP at FC, which is our national income. Once again, value added method or product method, while we estimate going to be estimate national income through value added method, we have to be considered three points. First, estimation of value of output, that is the total market value of all goods and services which is produced by all the three sectors of the economy within one financial year. Second, we have to be know about change in stock, closing stock minus opening stock. Third, estimate of value of value added, and that estimation was done on the basis of value added equal to value of output minus intermediate consumption. That's among all three methods of national income accounting, the value added method is the most easy method to calculate the national income, and only on the basis of three methods. I hope that you all understand this method and also going to be try to solve some numerical problem. That's all.